प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम टेली मसाला। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पहली झलक ही आपको उनकी तरफ खींचे, जिनकी एक मुस्कान ही आपका दिन बना दे और जिनकी शरारतें ही अच्छी लगने लगे। अब जिससे ऐसा दिल जुड़े उसके साथ आखिर आपका रिश्ता क्या कहलाता है, चलिए जानते हैं आपके फेवरेट एक्टर मोहसिन खान की कहानी। मोहसिन का जन्म हुआ एक मुस्लिम फैमिली में 26 अक्टूबर 1991 में। उनकी फैमिली में कुल मिलाकर हैं 5 लोग, मोहसिन की अम्मी अब्बा, उनका एक छोटा भाई और उनकी एक छोटी बहन। मोहसिन की फैमिली में उन 5 लोगों के अलावा एक बहुत ही क्यूट मेंबर है जो कि एक पर्शियन कैट है जिसका नाम है फरी, और मोहसिन उससे बेहद प्यार करते हैं। मोहसिन अपने परिवार के एक लौते ऐसे सदस्य है जिन्होंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा है, लेकिन बचपन में अगर आप मोहसिन को देखते तो शायद ये कभी अपने सपने में भी नहीं सोच पाते कि वो इतने बेहतरीन एक्टर बनके उभरेंगे। अपने स्कूल के दिनों में मोहसिन काफी ही शर्मीले बच्चे थे, इतने शर्मीले कि शायद बचपन में किसी लड़की से दोस्ती तो दूर, उन्होंने कभी किसी लड़की से बात तक नहीं की होगी। वो उन पढ़ाकू बच्चों में से थे जो हमेशा ही किताबों में खोए रहते थे और अपने सभी टीचर्स के फेवरेट थे। बट यस, मोहसिन को सिनेमा से प्यार हमेशा से ही था, चाहे वो राइटिंग हो, डायरेक्टिंग हो या फिर एक्टिंग। फिल्म मेकिंग का हर एक एस्पेक्ट उन्हें काफी एक्साइट करता था बचपन से ही। वैसे मोहसिन एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर और एक मैनेजमेंट ग्रेजुएट है। वो अपनी पढ़ाई में काफी अच्छे थे और उन्होंने इंजीनियरिंग में टॉप किया था विद 80% मार्क्स। कहते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज के दौरान मोहसिन को अपने लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने का बड़ा शौक था। उनके बाल कभी कंधे तक लंबे और कभी कलर्ड थे, फिर उसके बाद उन्होंने अपना सर भी मुंडवाया। पढ़ाई लिखाई की बड़ी बड़ी डिग्रियां तो मोहसिन के पास थी ही, लेकिन साथ ही उन्होंने एक्टिंग का कोर्स किया अनुपम खेर के एक्टिंग स्कूल से और डांसिंग का कोर्स किया शामक दावर के डांस क्लासेस से। अपने कॉलेज के दिनों से ही मोहसिन एड्स में काम करने लगे थे, फिर उसके बाद उन्होंने कैमियोज करना शुरू किया और फिर कुछ शोज में पैरेलल लीड। पर मोहसिन के लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें भी आई थी। उनकी जिंदगी में एक हादसा हुआ था जिसकी वजह से वो आज तक बाइक चलाने से डरते हैं। काफी पहले उनका बाइक पे एक बुरा एक्सीडेंट हुआ था और उसी के वजह से मोहसिन के जितने भी बाइक वाले सीन्स होते हैं उनके शोज में वो सारे चीट शूट्स होते हैं। मतलब मोहसिन सिर्फ बाइक पर बैठे रहते हैं और बाइक को पीछे से पुश किया जाता है। मोहसिन अपनी जिंदगी में काफी डिसिप्लिन्ड है, शायद तभी वो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से कोसों दूर रहते हैं। इनफैक्ट मोहसिन को तो स्मोक की स्मेल से ही एलर्जी है। मोहसिन ने 18 साल की उम्र में अपना पहला एड किया था सिया टायर्स के लिए, जिसके लिए मोहसिन को मिला उनके करियर का पहला पेचेक 10,000 रुपए का। वैसे इतनी डिग्री लेने के बाद मोहसिन को एक आईटी कंपनी में जॉब भी मिला था, लेकिन उसे क्विट करके मोहसिन चल पड़े अपने एक्टिंग के सपने को पूरा करने के लिए। मोहसिन ने अपना करियर बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर स्टार्ट किया बॉलीवुड में। उन्होंने सबसे पहले काम किया फिल्म कोयलांचल में एज अ सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर, जो साल 2014 में रिलीज हुई। मोहसिन का टेलीविजन डेब्यू हुआ स्टार प्लस के शो निशा और उसके कजन से। उसके बाद उन्हें लाइफ ओके के शो ड्रीम गर्ल में मिला लीड रोल। इसके बाद उन्होंने कई सारे टीवी सीरीज में काम किया, जैसे मेरी आशिकी तुमसे ही, प्यार तूने क्या किया, और अभी करंटली वो एज ए लीड एक्टर काम कर रहे हैं स्टार प्लस के लीडिंग सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में, जहां वो कार्तिक गोयनका के रोल से बन गए यूथ आइकन। छोटे पर्दे पर कमाल दिखाने के बाद मोहसिन का सपना है बॉलीवुड में भी नाम कमाने का, एंड वी होप कि वो दिन बहुत ही जल्द आएगा। कार्तिक के रोल ने मोहसिन को एक नई पहचान दिलाई और साथ ही साथ काफी सारे अवार्ड्स भी दिलाए हैं। जैसे 2017 में हुए स्टार परिवार अवार्ड्स में उन्होंने जीता फेवरेट जोड़ी का खिताब अपनी को स्टार शिवांगी जोशी के साथ और जीता फेवरेट पति का अवार्ड भी।
मोहसिन की लव लाइफ काफी सिंपल रही है। उनका पहले कभी कोई रिलेशनशिप नहीं रहा है और अगर खबरों की माने तो हाल ही में वो डेट करने लगे हैं अपनी ये रिश्ता की को एक्टर शिवांगी जोशी को। मोहसिन की माने तो उन्हें शिवांगी की इनोसेंस ने दीवाना बना दिया है। पहले तो दोनों ही अपने रिश्ते को छुपा कर रखना चाहते थे, लेकिन कहते हैं ना कि एक एक्टर की जिंदगी पर्सनल नहीं पब्लिक हो जाती है, तो बस उनके अफेयर की खबरें हर जगह आने लगी। और फिर कुछ महीने बाद फाइनली मोहसिन ने ये खुलेआम एक्सेप्ट कर लिया कि वो शिवांगी को डेट कर रहे हैं। वैसे मोहसिन और शिवांगी अभी तक एक ऑफिशियल डेट पर नहीं गए क्योंकि वो अपने शो में काफी बिजी रहते हैं, लेकिन लकीली दोनों शो में पति पत्नी का किरदार निभाते हैं तो उन्हें एक साथ टाइम स्पेंड करने के काफी मौके मिल जाते हैं। मोहसिन के मुताबिक शिवांगी में काफी एनर्जी है और वो दिन भर सेट पर इधर उधर सबको एंटरटेन करती रहती है, जो कभी कभी उन्हें बहुत क्यूट लगता है लेकिन कभी कभी उन्हें काफी इरिटेट भी करता है। लेकिन जो भी हो, मोहसिन और शिवांगी की जोड़ी शुरुआत से ही फैंस के दिलों को छू गई है और अगर ये दोनों अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की सोचे तो सबसे ज्यादा खुश उनके फैंस ही होंगे।